Students, today we are going to study about force on a moving charge in the magnetic field. But in this, you have to learn today their numericals. आपको इसके numerical करने आज. एक query आई थी मेरे पास किसी students को लेकर, तो उसने एक question पूछा था. तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे बोर्ड लेवल के, बोर्ड लेवल से भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा वो. तो करते हैं स्टार्ट न्यूमेरिकल. आर्टिकल का क्या नाम है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस इन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म लिख लीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको लेकर काम करेंगे. और अभी मेरे पास हाल ही में पीडीएफ आया है सिलेबस को लेकर, तो कुछ पोर्शन डिडक्ट हुए है, लेकिन फिर भी हम है ना हल्का फुल्का सभी पोर्शन को टच करते हुए चलेंगे. बिकॉज फिजिक्स क्या है, कहीं भी कुछ भी अप्लाई कर देते हैं. जब यहाँ पर इन्होंने साइक्लोट्रॉन जो टॉपिक है वो डिडक्ट कर दिया, जो आने वाला हमारा आर्टिकल है, लेकिन उससे पहले हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में सब कुछ अपना बेसिक में पढ़ लिया. तो साइक्लोट्रॉन को अगर हम फिलहाल छोड़ भी देंगे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप वो कर चुके हो. अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो थोड़ा बहुत हम उसको देख लेंगे, जैसे सैंपल पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे फिर लास्ट में. तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं. आप क्वेश्चन है आपका जो स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 4×10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला. क्या कह रहा है वो इस न्यूमेरिकल में, कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू गिवन है 10⁻⁵ टेस्ला. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड यू नो वेरी वेल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में इनको आपने ले रखा है. तो एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी 4×10⁴ मीटर. हॉरिजॉन्टली एक इलेक्ट्रॉन है, हॉरिजॉन्टली वो इसके अंदर मूव कर रहा है. वेलोसिटी कितना गिवन है उसका, 4×10⁴ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी गिवन है. एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली लाइक दिस, जैसे कि फिगर में दिखाया गया. एक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 4×10⁴ मीटर पर सेकेंड एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एज शोन इन फिगर. ठीक है, ड्राइव इट्स ट्रैजेक्टरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर एंटर कर रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी पूछ रहा है आपसे. क्या पूछ रहा है? ट्रैजेक्टरी. तो ये क्वेश्चन है आपका, एक तो ट्रैजेक्टरी पूछ रहा है और दूसरा वो टाइम पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कितना टाइम रहेगा. तो टाइम स्पेंट पूछ रहा है भाई, कितना टाइम वो स्पेंट करेगा इसके अंदर, फिर बाहर निकल जाएगा. ठीक है, कहीं से भी निकले मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो देखते हैं कैसे. तो ये दो चीजें हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में, तो इसको पढ़ते हैं, अब इसको करते हैं. तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, यू नो नेगेटिव चार्ज है, आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए पढ़ा हुआ है, और ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज जो है ये, अगर नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ओके, तो आप पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ ले सकते हैं ऐसे,
यस और नो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कौन सा रूल? वैसे तो पाम रूल भी होता है, राइट हैंड पाम रूल, लेकिन अभी आप इसी से करो, लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर इनसाइड, ठीक है, और सेंट्रल फिंगर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, बट ये तो नेगेटिव चार्ज है, आपने क्या कर देना है इसको इस तरह से, आप पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लोगे इसको, ठीक है, यस और नो। तो ये कहां पर मूव करेगा? नीचे की तरफ। कहां पर? नीचे की तरफ, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ क्या ट्रेस होगा आपसे? इस तरह से। और आपको पता है ये कैसा पाथ लेगा? सर्कुलर पाथ लेगा, लेकिन क्योंकि ये यहां पर था और हर पॉइंट पर उस पर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर ये बीच में होता ऐसे तो क्या होता, इस तरह से करके वो बीच में ही सर्कल पूरा कर लेता, बट क्योंकि बाहर से आया है, ठीक है, एक सर्कल होता है तो जो उसका टेंजेंट है वो देखो इस तरह से यहां पर अपर साइड पर बन रहा है, तो एक तरह से वो यहां से स्टार्ट हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इस तरह से घूमकर यहां पर आकर वो खत्म हो जाएगा, और आफ्टर दैट जब वो बाहर निकलेगा तो यहां से कैसे निकलेगा? स्टेट, क्योंकि यहां से फिर दोबारा से इसके ऊपर टेंजेंट लेंगे आप, यहां से भी वो टेंजेंशियली जा रहा था अंदर, लेकिन यहां पे जाने के बाद उसने सर्कुलर पाथ क्या कर लिया, ट्रेजेक्ट्री के उसमें ले लिया, इस तरह से वो ट्रेजेक्ट्री बनाएगा अपनी। तो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन तो यहाँ पे पता लग गया आपको, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी उसकी, आंसर क्या आएगा? सेमी सर्कल। कैसा आएगा? सेमी सर्कल। लेकिन उसके बाद टाइम स्पेंड पूछ रहा है कि वो यहां से लेकर यहां तक टाइम लगेगा उसको, तो इस चीज को करते अब कैसे, यहां से देखिए, अगर वो सेमी सर्कल ले रहा है तो कोई ना कोई उसका क्या होगा, ये रेडियस होगा सपोज आर, ये भी क्या होगा आर, ये भी क्या होगा आर, ये सब इसके रेडियस होंगे, और सर्कल कैसा बना है ये? सेमी। कैसा बना है? सेमी सर्कल। यू नो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो कितनी होती है? 2πr, और यहां पर सेमी सर्कल है तो क्या होगा उसका? हाफ हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो जो इसकी सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस है, सर्कमफेरेंस है, वो कितनी होगी? पाई आर। टाइम कितना लगा यहां से यहां तक वो आपको कैलकुलेट करना है, टी, वेलोसिटी कितनी है ये गिवन है। तो दीज थ्री थिंग्स यू हैव, टू थिंग्स यू हैव एंड थर्ड यू हैव टू कैलकुलेट। तो टाइम स्पेंड कैसे निकालेंगे? टी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? यू नो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टी का फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हियर डिस्टेंस कितना है? हाफ सर्कमफेरेंस, मीन सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी है वो? यस पाई आर। पुट पाई आर, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 4×10⁴ मीटर पर सेकंड। सारा ये एमकेएस सिस्टम में ले लो आप, 22/7 ले लो या 3.14 ले लो इसको, इंटू आर अपॉन 4×10⁴। बट आर यहां पर, अब आर भी चाहिए आपको, आर कैसे निकाल लेंगे आप? आर का फार्मूला पता है किसी को? कल ही बताया था आर का फार्मूला। क्या क्या गिवन है आपके पास? इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए R इज इक्वल टू फार्मूले कहीं है आपके पास? तो बेसिक फार्मूला आपके सामने है, R इज इक्वल टू mv/bq। m की वैल्यू कितनी होती है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? पता है किसी को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1×10⁻¹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 ⁻
तो यहाँ पर लगा दीजिए 9.1 × 10⁻³। 0.1 में छोड़ रहा हूँ, राउंड ऑफ करके आप न्यूमेरिकल को करेंगे। सारी वैल्यू अगर प्रॉपर लेंगे तो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी आपको। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 4 × 10⁴ अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्यू ई कह सकते हो आप इसको, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। 1.6 × 10⁻¹⁹ इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी यहां पर पुट कर दीजिए, तो कैलकुलेटर होगा आपके पास, जल्दी से सॉल्व करके बताइए मेरे को, हरी अप। लो मैं भी कर लेता हूं, 9 × सिर्फ ये कर लो, जीरो को बाद में देख लेंगे, 9 × 4 / 1.6, जीरो का हिसाब हो गया, यस 10⁻⁻¹। तो यहां से आ गई इसकी वैल्यू 22.75 × 10⁻³ मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन दिस रिलेशन, यहां से आपको टी मिल जाएगा, 3.14 × 22.75 × 10⁻³ मीटर। एमकेएस सिस्टम में सारा ले रहे हैं तो यूनिट मत लगाइए, डायरेक्ट आंसर टी का सेकंड में दे देंगे आप, 4 × 10⁴। कैलकुलेट करिए इसको, 3.414 × 22.75 / 4। तो ये आ गया आपके पास 1.8 और यहां से 10⁻⁻¹। तो ये आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁶ सेकेंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दो क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है, एक में ट्रेजेक्ट्री पूछा गया था, ट्रेजेक्ट्री आपने बता दिया, सेमी सर्कल कैसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। एक रूल और बताऊं आपको, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, उसके अकॉर्डिंग देखना इसको क्या होता है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पहले क्वेश्चन का मैं आई रफ दिस म्यूट कर रखा है लगता सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर गिवन है। ये पिछला जो आपका टॉपिक, पहले जो टॉपिक गई है उसके ऊपर भी बेस्ड है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, और ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। क्या है ये, लॉन्ग स्टेट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर पढ़ा था ना आपने, बाय और सेवरेट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ में, बिल्कुल। ए लॉन्ग स्टेट वायर ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, अ प्रोटॉन पी ट्रेवल्स एट 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर। इसके पैरेलल में एक प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है कुछ वेलोसिटी से 0.2 मीटर फ्रॉम इट, इससे 0.2 मीटर की दूरी पर,
यहां से 0.2 मीटर दूर चले जाओ, इसके पैरेलल में क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है, प्रोटॉन। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.2 मीटर। ओके, उसके बाद कहता है एंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, जो करंट आपने ए बी ले रखा है ये उसके अपोजिट में ट्रेवल कर रहा है। मतलब अगर ये करंट ए से बी जा रहा है ऐसे, तो ये कैसे जा रहा है, यस बी टू ए, ऊपर से नीचे। और इसकी वेलोसिटी गिवन है कितनी है, 4 × 10⁻⁶। कितनी वेलोसिटी से, 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एग्जर्ट ऑन द प्रोटॉन। आल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, साथ में इसकी डायरेक्शन भी बताइए। तो दो चीजें बतानी है आपको, नंबर वन फोर्स और साथ में उसकी डायरेक्शन, दो चीजें बतानी है। तो अभी तक जो भी पता है इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है, वो कैसे निकाल लोगे आप, फोर्स के लिए फार्मूला क्या था आपके पास, एफ इज इक्वल टू, जब कोई चार्ज हो, चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे निकालते हैं, या फिर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लेकर हो गया ऐसे। तो Q की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, यू नो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों भाई भाई, ठीक है, दोनों के ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। तो यहां पर आप लगा दीजिए 1.6 × 10⁻⁹। वेलोसिटी कितनी है इसकी, 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस पे, वो तो गिवन नहीं है, क्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, म्यू नॉट। तो यहां पर बात आ जाती है इस आर्टिकल की, कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यहां पर अपना राइट हैंड रखिए पहली बात तो, करंट की डायरेक्शन में थंब को लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट ले लीजिए, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, अंदर की तरफ। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो आपको इनवर्ड मिलेगा, अंदर की तरफ मिलेगा, और वेलोसिटी कहां जाएगी, नीचे की तरफ। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और जो वेलोसिटी है वो कहां है, नीचे की तरफ। तो ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो यहां पर आप लीजिए थीटा, वी और बी के बीच में कितना होगा, बी परपेंडिकुलर टू क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर से इतनी दूर, देखिए ये डिस्टेंस दे रखा है, यू नो वेरी वेल इन केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बाय द फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r या डी, जो भी आप लेना चाहते हो। तो ये था आपका साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू था ना, यहाँ पर दोनों को हमने केस ले लिया था 90 डिग्री का इन केस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो वही लिया यहाँ पर। तो बी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इंस्टेड ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4π यू हैव टू पुट 10⁻⁷ × 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 0.2। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, बी की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करिए इसको, सिंपली हो जाएगा ये, तो कैसे, 2 से 2 कैंसल, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। तो पुट कर दीजिए यहां पर 4 × 10⁻⁶ टेस्ला, साइन थीटा साइन 90 डिग्री। तो सॉल्व करिए इसको, बन जाएगा 1.6 × 4 × 4, इससे ये कैंसल हो जाएगा और साइन 90 1 हो जाएगा।
तो ये आपके पास है, क्या आएगा इसको सॉल्व करके करिए, 25.6 फोर्स की वैल्यू, कोई 10^10 कुछ बचा तो नहीं, ये बचेगा 10^10, ठीक है, -19 newton, तो ये आपकी फोर्स आ गई। अब बात आ जाती है इस फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, इसके साथ ही क्या पूछा गया है, डायरेक्शन पूछा गया। फोर्स आपने कैलकुलेट कर दी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, बट डायरेक्शन कैसे निकालोगे, कौन सा रूल लगाएंगे यहां पर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो, ठीक है, पाम रूल भी अभी समझाता हूं आपको, लेफ्ट हैंड रूल, ये देखिए लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और सेंट्रल फिंगर पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड गया अंदर की तरफ, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज करते हैं फिंगर को, ये देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेफ्ट हैंड लिया, फर्स्ट फिंगर को अंदर की तरफ ले लिया, बोर्ड की तरफ ले लिया और सेंट्रल फिंगर को नीचे की तरफ लगा दिया ऐसे, देन यू कैन सी जो ये थंब है आपका ये किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, यस और नो, समझ गए इस चीज को स्टूडेंट, समझ गए इस चीज को, यस सर, फोर्स कहां पर होगी, यस फोर्स आ गई आपकी टुवर्ड्स राइट साइड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। अब बात आ जाती है पाम रूल की, पाम रूल में क्या करना होता है, अगर कंफ्यूज नहीं होते हो तो देखो ये भी ज्यादा सिंपल है, लेफ्ट हैंड रूल लगाना देखो आपको 10th से आता था इसलिए हमने लगा दिया था। पाम रूल में क्या होता है, पाम रूल में ये देखिए राइट हैंड लीजिए, इस राइट हैंड पे आप थंब को और ये जो फिंगर है, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे, थंब को पार्टिकल का पॉजिटिव पार्टिकल का मोशन, ठीक है, वेलोसिटी, तो इसके हिसाब से करते आप, जो ये फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड में और जो ये थंब है ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, जो वेलोसिटी है ये बी हो गया और ये वी हो गया, ठीक है, इस पे लिख लो आप, राइट हैंड पे उल्टे हाथ से लिखना पड़ेगा, इस पे बी लिख लीजिए और इस पे वी लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह से बी लिख लिया और इस पर वी लिख लिया, और जो ये पाम होगा ना ये हथेली होगी आपकी फ्रंट साइड, ये आपको फोर्स दे देगी, फोर्स की डायरेक्शन दे देगी, देखो वी भी हो गया बी भी हो गया और एफ भी हो गया, यही फार्मूला था ना, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता स्केलर होता है, ये तीनों वेक्टर आ गए, ये दोनों आपको गिवन होते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना होता है, तो जिस तरफ ये वाला फेस होगा हाथ का राइट हैंड का वहां पर ही फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में, तो करके देखते हैं, ये देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है नीचे की तरफ, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूं, ये फिंगर तो मैंने अंदर की तरफ कर दिया है और वेलोसिटी नीचे की तरफ कर दी है, तो पाम की डायरेक्शन क्या रह गई, राइट साइड, किस साइड में, राइट साइड में, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चारों फिंगर ले लो अपनी और थंब को ले लो पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन में, तो आपको पाम क्या देगा, यस इस साइड, यानी कि राइट साइड में आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल जाएगा, आया ये समझ में आपको, स्टूडेंट्स समझ में आ गई है ये चीज, यस सर, जितने भी लेफ्ट हैंड रूल है वो आप सारे के सारे राइट हैंड पाम रूल से भी कर सकते हैं, इजी पड़ेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक ही रूल कोई अच्छा रखे अपने लिए,
स्क्रू रूल भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी शायद आपको थोड़ा सा तंग हो जाओ आप। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का रिजल्ट एक ही आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब आप। कैसे, कोई मैग्नेटिक फील्ड गिवन है? ये भी तो सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्शन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी निकालना आ सकता है। सॉरी, तो ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर दो पार्टिकल लिए जाए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, चलो ले लेते हैं, ये प्रोटॉन ले लिया और सेकंड न्यूट्रॉन ले लिया, न्यूट्रॉन। आपको पता है इन दोनों के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? चलो बाद में देंगे, पहले उसका क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोटॉन एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली और एक न्यूट्रॉन एंटर कर रहा है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यू नो ये इनवर्ड के लिए है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले रही है हम, ठीक है। तो इसके बाद वो कह रहा है कि इसके मोमेंटम इक्वल है, किसके? इसका और इसका मोमेंटम इक्वल है, तो मोमेंटम के लिए यानी कि P इज इक्वल टू एम बी, और इसका P डैश इज इक्वल टू एम डैश वी डैश। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या गिवन दे रखे हैं? इक्वल, लीनियर मोमेंटम इक्वल दे रखे हैं इनका, मोमेंटम मोमेंटा इक्वल, ठीक है। ये गिवन है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि इनकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, आपको बताना है कि इनका रेडियस कैसा होगा, ठीक है, रेडियस की रेशियो बताइए कैसी होगी। तो क्वेश्चन आपके पास, यू हैव टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ दियर रेडियस, ये आपको बताना है, रेडियस ऑफ दियर रेशियो। कैसे करेंगे आप इसको? क्वेश्चन आपके सामने, आर का फार्मूला क्या होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल, देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ओके, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इसकी वो पता लगाइए, और दूसरा क्या पता लगाना है? इनके रेडियाई की रेशियो। तो करते हैं इसको सॉल्व, यू नो वेरी वेल आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्या होता है? क्यू बी होता है ना ये फार्मूला, ठीक है। एम बी क्या है? मास और विलोसिटी, किसके? चार्ज के। यहां पर मास और विलोसिटी कितना है? एम बी। यहां पर कितना है? एम डैश वी डैश। भाई प्रोटोन और न्यूट्रॉन का मास और वो थोड़ा अलग ले लिया हूं, लेकिन वो कह रहा है इनके मोमेंटम सेम है, क्या है? मोमेंटम सेम, और मोमेंटम यानी कि आर का एक और फार्मूला था आपके पास, वो क्या था? अपॉन एम बी और पी अपॉन क्यू बी, एम बी की जगह पर आप पी लगा सकते हो। तो जो ये रेडियस का फार्मूला है इसमें मोमेंटम की टर्म में दे रखा है, कौन सी टर्म में? मोमेंटम, और मोमेंटम दोनों का क्या है? सेम। तो आप यहां पर दो इक्वेशन बना लीजिए, एक तो प्रोटॉन के लिए और एक न्यूट्रॉन के लिए। तो यहां पर आ जाता है प्रोटॉन का मोमेंटम पी, न्यूट्रॉन का मोमेंटम पी डैश, चार्ज यहां पर प्रोटॉन का चार्ज होगा और ये न्यूट्रॉन का। अब बताइए मेरे को प्रोटॉन के लिए आपको क्या पता है? 1H1, न्यूट्रॉन के लिए 1H2, ठीक है। मास कितना है इसका? दिस इज द वैल्यू ऑफ एम, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम मास, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, ये भी वैल्यू ऑफ क्यू। चार्ज इनका सेम होता है और मास डिफरेंट होता है, और रेडियस का फैसला मोमेंटम के में कौन कर रहा है? यहां पर देखो मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम होगा, बचा कौन? चार्ज, और चार्ज भी यहां पर क्या दिख रहा है आपको? सेम,
कहने का मतलब है सारी चीजें सेम है लेकिन फिर भी आपको मैथमेटिकली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे आप मैथमेटिकली कैसे, आप आरपी की वैल्यू लगाइए पी अपॉन क्यूपी बी अपॉन ड्यूट्रॉन का रेडियस कैसे निकाल लेंगे पी डैश अपॉन क्यू डी बी। सॉल्व करिए इसको पी अपॉन क्यू पी बी इंटू क्यू डी बी अपॉन पी डैश, और पी डैश और पी क्या है इक्वल, कैसा है ये गिवन, तो गिवन है तो आप इसको पी लिखेंगे बिकॉज पी डैश और पी क्या है इक्वल है, दोनों के मोमेंटम इक्वल गिवन है, तो पी से पी कैंसल बी से बी कैंसल, बचा क्या क्यू डी अपॉन क्यू पी यानी कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना है वन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है वन, तो वन अपॉन वन, तो रेशो क्या आ गई किसकी आरपी अपॉन आरडी, रेशो क्या आ गई 1:1 यानी कि दोनों के रेडियस सेम होंगे, क्या होंगे दोनों के रेडियस सेम होंगे। अब बात आ जाती है इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे बनेगी, तो ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं कैसे, लेफ्ट हैंड रूल ले लीजिए, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, ये लीजिए बन गया, फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जा रहा है तो फोर्स कहां लगेगी नीचे की तरफ, तो जो ये प्रोटॉन है जैसे ही ये यहां पे जाएगा यहां से अपनी डायरेक्शन चेंज करनी शुरू कर देगा, और यहां पर आने के बाद ए पॉइंट पे सर्कल की फॉर्म लेगा, ये सेमी सर्कल ट्रेस करेगा और फिर बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से न्यूट्रॉन को लीजिए, न्यूट्रॉन को लेंगे आप इसका क्या करेंगे, इसमें भी क्या होगा सेमी सर्कल लेगा और फिर बाहर निकल जाएगा, लेकिन दोनों के रेडियस क्या लेने हैं आपको सेम लेने हैं, क्या लेने हैं सेम, क्योंकि अभी अभी आपने प्रूव करा है रेडियाई की रेशो क्या रह जाएगी 1:1, तो दोनों का सेम तरह से आपने क्या करना है सरकमफेरेंस या सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है ये देखिए सारा आर होगा, तो सेमी सर्कल पाथ मिलेगा दोनों केसेस में विद सेम रेडियाई, विद सेम रेडियाई क्योंकि रेडियाई की रेशो सेम आई थी, तो इस तरह से इसका डायग्राम या ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री निकाल दिया। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम को बेटा इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में यू कैन आस्क स्टूडेंट्स, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम बेटा पूछ लीजिए। यहां पे आपका एक छोटा सा आर्टिकल और बता रहा हूं मैं जो कि अभी तक बताया नहीं गया था आपको, जो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो आपको निकालनी तो आ गई और ये भी पता लग गया उसकी शेप्स क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन होगी सर्कल होगी, लेकिन अभी एक केस और रहता है हमारा। देखिए वी अगर पैरेलल टू बीओ या एंटी पैरेलल टू बीओ यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पाथ मिलता है चार्ज का, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। बट अगर वी परपेंडिकुलर टू बी हो जाए, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए मींस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो आपको पता है जो मोशन है वो सर्कल में मिलता है, पता है ना इन दोनों बातों का। लेकिन अब थर्ड चीज पढ़ने जा रहे हो, अगर वी इंक्लाइंड हो, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्लाइंड हो तो कैसा पाथ होगा, मैं बता देता हूं हेलिकल होगा, कैसा होगा हेलिकल। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है वो आप देख लीजिए, इसके ऊपर दिस इज द मेन टॉपिक,
ये तो बहुत ज्यादा मेन है, उसके बाद ये मेन है, लास्ट में ये मेन। तो सबसे पहले प्रेफरेंस आपने इसको देंगे। चलो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं मैं, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से बना दिया। यहां पर इसको लेकर वर्क करेंगे, ये आपका टॉपिक है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंट्रिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इनक्लाइंड इनक्लाइंड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर कोई इसके साथ, देखो 2D में बता नहीं सकते क्योंकि 2D में जहां मर्जी ऐसे आप लाइन ले लो सारे के सारे, ओ सॉरी इसके साथ तो बता सकते हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहा है ना, यहाँ पर लो ये ले लिया कोई आपने चार्ज पार्टिकल, इस तरह से वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, ठीक, कितना एंगल बना रहा है, ठीक, कौन चार्ज पार्टिकल क्यू, क्या होगा, ना तो ये 90 डिग्री पे है और ना ही ये 0 डिग्री पे, ठीक है। इसके दोनों कंपोनेंट काम करते हैं बेटा, कोस थीटा वाला भी और साइन थीटा वाला, ना तो ये साइन थीटा वाले में जा रहे प्रॉपरली और ना ही कोस थीटा वाले में जा रहे, ठीक है, यहां पर जा रहे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वी और बी आपस में थीटा एंगल पर है।